कैसा लगा भाई? वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था भाई, अमेजिंग, वाओ। मतलब कि बकेट लिस्ट टेक टेक हो गए, क्रेजी यार, बहुत अच्छा। 4 3 2 1 हैप्पी न्यू ईयर, बस इसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई। वो होता है ना, जब किसी चीज़ का बहुत इंतज़ार करो और फिर बलाखिर वो दिखे, तुम बस देखते ही रह जाते हो। हमारे साथ भी कुछ यूं ही हुआ। ये नज़ारा देखने के लिए हम 3 दिन पहले ही आ गए थे। आओ चलते हैं इस सफर पे। रात के 4 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं सिडनी के लिए। अबे लाइट देगा तो भी फायदा नहीं है भाई, मैं ऐसे ही दिख रहा हूँ बगैर लाइट के। मैं देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, रात के 4 बजे शुरू किया मेलबर्न से सिडनी। 800 किलोमीटर का रास्ता और बेहतरीन हाईवे। तो भाई हमारे साथ है, मैं तो हुई, ये हमारे एके भाई, मिले तो होंगे, ये जय भाई, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो कुली का है। और फिर हमारे साथ एक और बंदी आ रही है, वो वाइट पे डायरेक्ट मिलेंगे, मिलेगी, और बस यही है। अभी थोड़ी देर में मैं सो रहा हूँ, उठ के बात करते हैं। सोने की कोशिश की तो थी, लेकिन मंजर इतने अच्छे और फिर दोस्तों के साथ नींद ही नहीं आई। भाई पहला स्टॉप है हमारा नेचर्स कॉल, बेसिकली सोए नहीं है तब भी अच्छा लग रहा है भाई। सोए बिल्कुल भी नहीं, नींद ही नहीं आई भाई। मैंने सोचा सो जाऊंगा, हमारे जय भाई ड्राइव करेंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन नींद ही नहीं आई। शक्ल ही इतनी अच्छी है भाई की, मैं जे, उसी में खो गया था। जय भाई झूठ बोल रहा हूँ। इतना अच्छा हाईवे था, सबको ड्राइव करने का दिल था। फैसला हुआ कि बारी बारी सबकी टर्न आएगी। भाई एक और ड्राइवर चेंज, तो कमर भी सीधी कर ली, बैक टू ड्राइविंग। 3 घंटे 50 मिनट बचे हैं। मेरी भी बारी आ गई चलाने की, सबसे अच्छा ड्राइवर तो मैं ही था ना। तो भाई अभी अभी सिडनी पहुंच गए, अभी हम जय के घर पे हैं। जय का सिडनी में भी एक घर है, मेलबर्न में भी एक घर है, बड़ा आदमी है भाई, तो उसके घर पे हम फ्रेश होंगे, फिर देखेंगे कहीं ना कहीं घूमेंगे। बस फिर खाना खाया और सो गए, कल मिलते हैं। सिडनी सिटी की खूबसूरती ही अलग है, सच बताऊं तो मेलबर्न कुछ भी नहीं है इसके सामने। हाँ वो अलग बात है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यहां। अब हम आ गए हैं सिटी में, तभी सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बस इधर उधर घूम रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। ये
ऐड हुई है हमारे साथ ट्रिप पे। एक मिनट, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, ये हमारे साथ ट्रिप पे ऐड हुई है, बड़े लोग हैं अलग से फ्लाइट में आए। चश्मे अच्छे लग रहे हैं, चश्मे दिखा। अबे मुझे देने थे, मेरे पे ही अच्छे लग रहे हैं। इस चश्मे में बड़ी लड़ाई हुई है, सबको पहनने थे। जय, कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल सब कुछ ना, मुझे मतलब दिख ही नहीं रहा। क्या बात, ज़्यादातर चीज़ें मतलब बहुत अजीब सी दिख रही हैं। इससे अच्छा मैं नहीं पहनूँ, ये बस शो ऑफ के लिए है। दिखावा दिखावा, आजकल ये दुनिया शो ऑफ पे ही रह गई है। लेकिन इससे फोटो खींचूंगा मैं, टेंशन। और टिंगू, मेरे चश्मे दे, दे वापस। फोटो खींच। अरे इसकी माँ का कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ रेड रेड, पता ही नहीं चला कौन सा कलर है। ये बकवास है यार। ₹50 काटो एक्टिंग। कुछ लोगों की तो आशिकी ही खत्म नहीं हो रही, लगता है इस अंकल के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये वाली ब्रिज और ये ओपरा हाउस, ये दोनों सिडनी की आइकॉनिक जगह हैं, तो हर कोई यहाँ पे आता है, ज़रूर आता है, तो हम लोग भी आ गए। कुछ ऑरेंज ऑरेंज लग रहा है, कुछ भी देख रहा हूँ ऑरेंज। ये आसमान ऑरेंज, ये मेरा दोस्त ऑरेंज, लोग ऑरेंज। क्या क्या क्या, गलती से तंदूरी चिकन खा देता मुँह ऑरेंज हो गया होगा। गंदे गंदे जोक्स माता के, गंदे गंदे जोक्स। देखो भाई, क्रिकेट हम बहुत अच्छा खेलते हैं, होपफुली ये भी अच्छा खेलेंगे। बेसिकली ये जो जगह है पीछे, यहाँ से ओपरा हाउस भी दिखता है और ब्रिज भी दिखते हैं, और मेन जो फायरवर्क्स हैं वो ब्रिज पे हैं। तो अभी हमने सोचा है कि फायरवर्क्स के लिए यहाँ पे आएंगे, लेकिन मसला ये है कि पता नहीं अलाउड होगा कि नहीं, और लोग बहुत पहले से आ जाते हैं, तो यही अभी से आया डिसाइड होगा कि यहाँ आना है कहीं और जाना है। बट ये जगह बहुत मस्त है, यहाँ से पूरा व्यू है सिडनी का। लोग बैठे हुए हैं, अब यार दोस्तों के साथ मजे करने आए तो थोड़ी तफरी तो करेंगे ना। सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख कुछ ज्यादा ही लग रही थी, सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं, मैक्सिकन चले गए। थोड़ा महंगा रेस्टोरेंट था, लेकिन इतना तो चलता है। वेट्रेस ने कुछ तो ये एवोकाडोस के साथ बना के दिया, उसको हमने बनाना चिप्स के साथ खाया, मजा आया।
हमारी बारी थी पानी में जाने की। लास्ट टाइम हम फेरी में आए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फिर से आ रहे हैं। इस बार भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ऐसे व्यू होने के बावजूद फोन पे लगना मेरी तो समझ से बाहर है। इरादा तो हमारा ये करते हुए सनसेट देखने का था, लेकिन बादलों ने मना कर दिया। अब बादलों के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके का फायदा उठा के मजे लेते हैं और दूसरे जो कहीं और लगे होते हैं। इनको बताना पड़ता है कि बाहर देखो बहुत सुकून है दुनिया में, बस थोड़ा ढूंढना है और फिर मिल भी जाता है। मशाल सेक्सी बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पाई। सिडनी आए तो बीच तो जाना जरूरी है। हमेशा की तरह शुरू में पानी ठंडा लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ घुल मिल गए। सिर्फ बीच पे चलने में ही इतना सुकून है और कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा। तो भाई अब हम जाएंगे वापस घर, कि बहुत थक गए हैं, पूरा दिन घूमे हैं। अगर रास्ते में कुछ आया तो दिखा देंगे। मिलते हैं कल ही, मतलब हमारे लिए कल है, लेकिन आप वीडियो में बने रहो हमारे साथ। फेरी में वापस जाते जाते परिंदे से मुलाकात हुई, कह रहा था आगे और खूबसूरत नजारे हैं। और अभी से हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर की जगह पे, जहाँ पे हम न्यू ईयर ईव के पटाखे देखेंगे, फायरवर्क्स देखेंगे। तो उसी का हमारा ये क्या होता है, बंदोबस्त है। और हम लोग अभी ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जाएंगे सिटी से उस जगह पे जाएंगे और फिर बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे। क्या मुझे ये कहती है बार बार, क्या किसी राइड नहीं? बहुत बुरा
पूरा हुआ है। हम नंबर वन जा रहे थे लेकिन पता चला है नंबर वन फुल है, नंबर टू फुल है, थ्री फुल है, फोर फुल है, फाइव फुल है, सिक्स है अवेलेबल, लेकिन वहाँ से व्यू अच्छा नहीं होगा तो हम लोग सोच रहे हैं कौन सा जाए। देखते कहाँ जाते हैं। आखिरकार एक जगह डिसाइड की और बस में वहां निकल पड़े, लेकिन बस भी खराब हो गई। ड्राइवर से चलाई नहीं जा रही बस भाई, नहीं चल रही बस, खराब हो गई भाई। पैदल चले क्या करें। चल गए। लेकिन हमें दूसरी बस पकड़नी थी, वो निकल गई, तो अभी हम फिर से और लेट हो रहे हैं। बहुत चला यार, बस हो गई हमारी, लेकिन पहुंच के वर्थ इट लगा। इस तरफ पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और इनमें से हम भी ऐड हो जाएंगे। और अभी टाइम और इस तरफ व्यू है। दोपहर के 3 बजे क्या बोल रहा है? दोपहर के 3 बजे है, रात के 12 बजे तक यहीं पे बैठना है, मतलब 10 घंटे यहाँ पे निकालना है। थोड़ा आगे गए तो एक और अच्छा स्पॉट था, वहीं कब्जा कर लिया। मार साहब अभी 2 लोग और ज्वाइन हुए और उनके साथ अब हम लोग गेम्स खेल रहे हैं। बिजी लोग हैं सर। अब 10 घंटे यहीं गुजारने थे तो गेम्स खेलने से अच्छा और क्या होगा। बेसिकली पिकनिक चल रही थी। टाइम हो गया 5:30 और अभी लोग बढ़ते जा रहे हैं आस्ते आस्ते। हम बहुत अच्छे टाइम पे आ गए थे, हमें बहुत अच्छी जगह मिली है और ये हम रह गए और सामने व्यू है। अब इससे अच्छी और क्या जगह मिलेगी बताओ। और यहाँ पे फुल मॉडलिंग चल रही है। That live in dirt. मक्खी, मच्छर, खत्म। मक्खी, मच्छर। Thanks you too. Swingam, खाना, गुटका। नए साल का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसका साल बुरा गया हो उसके लिए एक नई शुरुआत करने का मौका, जिसका अच्छा गया हो उसको आने वाले नए साल को इससे भी अच्छा बनाने का मौका। मतलब न्यू ईयर रिजोल्यूशन, हाँ, ग्रोथ ही ग्रोथ करनी है। बी मोर सोशल, एंगर पे कंट्रोल करना, मुझे फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देना है। आई वांट टू गो ऑन अ ट्रिप विद माय बेस्ट फ्रेंड, नॉट यू। सो दैट्स माय प्लान फॉर 2024। इस साल वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करना पूरा साल, मुझे पैसे कमाने और अपने आप पे फोकस करना, और कुछ नहीं। पहले लग रहा था कैसे जाएंगे 9 घंटे। शिफ्ट खत्म होने वाली है भाई हमारी। इट्स 11:43 एट द मोमेंट और ऑलमोस्ट 5 बक्स होने वाले हैं। पता भी नहीं चला टाइम कहाँ गुजर गया। मेरी तरफ से आपको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स। 1 मिनट से कम बचा है तो सामने हमारी नजरें हैं 27, 26। और फिर जब फायरवर्क शुरू हुए पूरी ट्रिप का मजा दोबाला हो गया।
कैसा लगा? वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था भाई। अमेजिंग, वाओ। मतलब कि बकेट लिस्ट टेक टेक हो गए। क्रेजी यार, बहुत अच्छा। एवरीवन सिडनी क्रेजी।